आराम से हो गया, रिक्शा में बाहर नहीं निकल रहा पानी को क्रॉस करने के लिए। सो गाइस टाइम भाग गया 5:15, तो की करबे मजबूरी छे, अभी थर्ड एसी ट्रैवल नहीं कर सकते, टका नहीं छे। एक घंटे जो अपने को मिला है उसका यूटिलाइज करने के लिए देख लो, पहली बार समस्तीपुर जंक्शन के बाहर। जर्नी विद मनीष की एक और फ्रेश एक्साइटिंग एनर्जेटिक ट्रेन जर्नी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो मैं आ चुका हूँ कहाँ, जयनगर। यहाँ से आज हमारी एक नई ट्रेन जर्नी की शुरुआत होने जा रही है और बारिश इतना जबरदस्त हुआ है स्टेशन के पास भी और स्टेशन के बाहर भी, दोनों साइड जो पूरा डूबा हुआ है। सो आज अपनी ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 02561 जयनगर न्यू दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस स्पेशल में, जो कि रोज़ाना जयनगर से शाम 5:20 पर खुलती है और अगले दिन इवनिंग में 3:40 पर हमें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। अभी रुका इसलिए हूँ और टाइम जो अभी हुआ है 4:00, तब 1:20 है और यहाँ उस पार जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, तो सोच रहा हूँ थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो उस पार जाऊँ। यहाँ से लेकर उस पार जाने के लिए भैया से रिक्वेस्ट किया, आराम से हो गया, रिक्शा में बाहर नहीं निकल रहा पानी को क्रॉस करने के लिए, भैया को बोला हूँ देख लो कहाँ तक पहुँचने के लिए। धन्यवाद भैया जी, देखो कितना पानी है अब है ना। अहाँ की यात्रा मंगलमय है, ठीक है जी, हमारी यात्रा मंगलमय होते हैं। आप चले छिए हमें स्टेशन के अंदर। सो गाइस टाइम भाग गया 5:15, तो चलियो चले छिए अपन बोगी में। बोगी छे कहाँ पता छे, बिल्कुल पीछे S2, ऐसा करे छे दूसर कोच का सहायता ले छे। पता नहीं कौन बोगी छे, अब आ जाता हूँ हिंदी में, नहीं हो पाता है बोलने में। तो कोच के अंदर एंट्री है ना, तो बारिश से बचे रहेंगे अपन। तो कोच है अपना S2, पता था, और सीट नंबर है अपना I think 76। यस 76 लोअर। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम अपनी सीट पे 76 लोअर, और फटाफट से मैं आपको बता दूं इसके कोच कंपोजिशन के बारे में कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जो है टोटल 22 कोच के साथ में चलती है। एक आपका मिल जाता है सबसे पहले पेंट्री कार, एक आपको मिल जाता है सेकंड एसी, दो मिल जाता है आपको थर्ड एसी, 11 स्लीपर कोच एंड 3 जनरल कोच अनरिजर्व, और एंड ऑफ टू लास्ट में आपको 2 जनरेटर कार। तो गिनती कर लेना टोटल 22 हो गए होंगे, और टाइम हो चुका है बिल्कुल राइट 5:20 और अपनी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से स्लो खुल रही है झटका देते हुए। तब चले थी जयनगर, मिला बहुत जल्द, आवे तो मौका लगल रहते कि कोनो गलत बात बोल लिया, अभी कत्ते गाड़ी छे कवे करे खाती आवे तो पड़बे करत ना। चलियो खुल चुकल ये हाँ हमर गाड़ी जयनगर से, और बारिश भए गेल तो हमरा खातिर बड़ा मतलब नीक भए गेल, कियाकि हमरा गर्मी बहुत लगे छे। कोनो वीडियो ऐसा नहीं होते जरा में हाँ हमर मुँह से नहीं सुनल हुए हमरा पसीना खूब चल रहा है, की करबे मजबूरी छे, अभी थर्ड एसी ट्रैवल नहीं करते, टका नहीं छे।
बजट खराब भए गेल यऽ। देखियो ट्रैक के की हाल छै, ट्रैक के ट्रैक ये है कि बारिश होने से राहत मिल जाएगी, गर्मी उतनी नहीं लगेगी, पसीना नहीं चलेगा, परेशान नहीं होंगे, है ना। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी और सब जो पैसेंजर हैं स्लीपर के चाहे जनरल कोचेस के, सब जो है सुखी शांति से ट्रैवल कर पाएंगे। जो यहाँ के वो मैकेनिक है ना, जो इसके वहाँ पे ना वो जो लेटिंग का पाइप होता है ना, तो पाइप फुल करके इसमें टच करता हुआ पूरा रगड़ते हुए आ रहा है। सो भाई तो हम पहुँच चुके हैं अपना स्वतंत्रता सेनानी का फर्स्ट हॉल, मधुबनी जंक्शन। स्टेशन कोड है MBI और मधुबनी जंक्शन जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन हम जो आए हैं बिल्कुल ओपन स्टेशन पर आए हुए हैं। मैं आपको बता दूँ कि मधुबनी जंक्शन को इंडियन रेलवे ने सेकेंड मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया है। और मधुबनी रेलवे स्टेशन जो है ये पूरा का पूरा मिथिला पेंटिंग से पूरा सुसज्जित किया गया है। और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो टोटल यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है। और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर ऑफ 1902 में, और इसे रिबिल्ड किया गया था 2007 में। और 2007 के बाद ही जो है मिथिला पेंटिंग सब की जो खूबसूरती वो मधुबनी रेलवे स्टेशन पे देखने को मिली थी। और बारिश सुबह 2 मिनट होने के बाद खुल चुकी है अपनी स्वतंत्रता सेनानी मधुबनी जंक्शन से। और लास्ट जर्नी इसमें हुई थी आनंद विहार जयनगर, जो कि कहाँ मधुबनी में आके खड़ी हुई है वापस। अगर आपको मधुबनी जंक्शन का पेंटिंग वाला अगर सीन देखना है ना प्लेटफॉर्म नंबर 1 का, तो आप मेरा जयनगर गरीब रथ वाला वीडियो देख लेना, उसमें आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। क्योंकि जयनगर गरीब रथ जब मधुबनी आई थी तो 1 प्लेटफॉर्म पे रुकी थी, उसमें मैंने कवर किया था। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपना स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का सेकेंड स्टॉपेज सकरी। यार भीड़ जबरदस्त है, फटाफट से मैं गेट से बाहर आया, वो देख सकते हो भीड़ जो है जबरदस्त। बाकी वीडियो में तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग से बहुत जबरदस्त भीड़ है। सो गए 2 मिनट हॉल के बाद अपनी स्वतंत्रता सेनानी खुल चुकी है सकरी से भी। यार पैसेंजर ओवरलोड, जितना पैसेंजर आपको जयनगर से चढ़ने वाले नहीं थे उससे कई गुना ज़्यादा सकरी से चढ़ने वाले थे। और मैं आपको बता दूं स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की खास कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की पहली सर्विस 1 जुलाई 2000 को दी गई थी। और इस ट्रेन का जो टोटल जयनगर से दिल्ली तक में टोटल 22 स्टॉप्स है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि जो स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस है ना, अभी तक जितना भी स्लीपर कोच में सफ़र किया हूँ सबसे गंदा स्थिति स्लीपर कोच का स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का मुझे लगा। देखो एक नज़र आपको दिखाता हूँ क्या स्थिति है देखो कोच का, ये देखो। अगर गलती से अगर किसी को अगर अपर बर्थ मिल जाए क्या लगेगा बताओ, ऐसा नहीं सब जगह का वही हाल है। उतरने दीजिए, इतना क्या हो गया भाई, ऐसे करते हैं दरभंगा सब पर, उतरने वाले उतरने देते नहीं। सो गाइस तो पहुंच चुके हैं कहाँ, दरभंगा जंक्शन, स्टेशन कोड DBG। और अभी तक हमने कवर किया है लगभग 67 किलोमीटर। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूं तो दरभंगा जंक्शन पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर ऑफ 1875 1875 में। और पब्लिक की क्या बात बोलूं, अनगिनत। स्टेशन का चकाचौंध देखो कितना लाइट में कितना जगमगा रहा है। बाय बाय।
समस्तीपुर इन करने वाले हैं। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं समस्तीपुर जंक्शन। स्टेशन कोड है यहाँ का SPJ और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का 25 मिनट का हॉल्ट है। 25 मिनट का हॉल्ट इसलिए क्योंकि यहाँ से जो है इंजन चेंज किया जाएगा ना। ये चाय दे देना, मलाई वलाई हो तो मार देना थोड़ा सा। रेलवे वाली चाय में मलाई वो मज़ा आया। नहीं नहीं बाकी स्टेशन से तो सॉरी ट्रेन के अंदर से बढ़िया है ना। हाँ वो 10 का है ना। ठीक है धन्यवाद। यहाँ पे था स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का पहुँचने का टाइम 8:30 का और पहुँची है कितना 7:56 पे, यानी 35 मिनट पहले पहुँच गई। 35 मिनट प्लस 25 मिनट पूरे के पूरे 1 घंटे इंतजार करने पड़ेंगे हमारे को समस्तीपुर जंक्शन पे। और अभी तक में हमने कवर किया लगभग 104 किलोमीटर। 1 घंटे जो अपने को मिला है उसका यूटिलाइज करने के लिए देख लो, पहली बार समस्तीपुर जंक्शन के बाहर आया हूँ। अब देख रहा हूँ अगर कुछ खाने होने का अगर मिल जाता है फिर उसको फूड को पैक कराता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अगर मिल जाए तो। अभी भी है लगभग 25-30 मिनट का टाइम है अपने पास। भैया कहीं पे खाना वाना मिल जाएगा पैकिंग वाला? कहाँ आगे मिल जाएगा अमरपाली में। सो गाइस अपन पैक भी करवा लिए खाना कहाँ से, ये देख लो अमरपाली भोजनालय। और चलते हैं अपन फटाफट से प्लेटफॉर्म के अंदर। ऐसे टाइम है अभी, भागने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी भी 1/2 घंटा है। उनको बोल दिया था एक्चुअली कि सर ऐसा है थोड़ा सा अर्जेंट में पैक करवा देना क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी लगी हुई है, तो वो फटाफट करवा करके दे दिए। चलिए कम से कम ये मिला कि अपना यहाँ का नॉर्मल खाना खाने को मिल जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ट्रेन से आ रहा हूँ, ट्रेन स्टेशन प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है और बाहर निकल करके खाना पैक करवा रहा हूँ। सो गाइस काफ़ी इंतज़ार कराने के बाद फाइनली अपनी ट्रेन रवाना हो चुकी है समस्तीपुर जंक्शन से। पूरे 1 घंटे इंतजार करना पड़ा, 1 घंटे। बाय बाय समस्तीपुर, अलविदा। मुलाकात तो होती रहेगी समस्तीपुर से। सो गाइस कुछ कहने की तो ज़रूरत है नहीं, प्लेटफॉर्म की भीड़ से पता चल रहा होगा है ना। सो पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन। स्टेशन कोड है यहाँ का MFP और अभी तक हमने कवर किया है लगभग 157 किलोमीटर। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस अपने आप में एक अनोखा ट्रेन है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे 1/2 घंटे पहले पहुँच जाती है और जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे 1/2-1.5 घंटे लेट पहुँच जाती है। सो ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुँचते पहुँचते ही लगभग 35-40 मिनट लेट हो चुकी है। सो खैर चलिए कोई बात नहीं। और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो इस स्टेशन पर टोटल 7 प्लेटफॉर्म है और 2 प्लेटफॉर्म जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि फ्यूचर में है। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर टोटल 7 प्लेटफॉर्म हो जाएगा और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर ऑफ 1886 1886 में और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था सन 2010 में। सो चलिए अब खाना की तैयारी। और टाइम हो चुके हैं कितना 10:45 होगा, 10:35-40 मिनट लेट करते हैं। चलिए ठीक है खाना खाता हूँ और फिर सोने की तैयारी और फिर मैं मुलाकात करता हूँ आपसे कल मॉर्निंग से। 6 hours later सो गाइस गुड मॉर्निंग। तो पहुँच चुके हम लोग प्रयागराज जंक्शन। स्टेशन कोड है यहाँ का PRYJ। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है लेकिन आपको बता दूँ कि इस ट्रेन का यहाँ पे आने का टाइम था 7:15 का और पहुँची है यहाँ पे 7:50 पे, तो करीब 35-40 मिनट की देरी हो चुकी है। और अभी तक में हमने कवर किया है टोटल लगभग 600 किलोमीटर।
92 किलोमीटर कवर करने के बाद पहुंच चुके हम लोग कानपुर सेंट्रल। स्टेशन कोड है यहाँ का CNB और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और आपको बता दूँ कि अभी भी जो है ट्रेन 1 घंटे 10 मिनट लेट चल रही है। पहले तो 1 घंटे तक थी, अब 1 घंटे 10 मिनट हो चुकी है। और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ कानपुर सेंट्रल की, तो टोटल इस स्टेशन पे 10 प्लेटफॉर्म है। और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर ऑफ 1930 में, और इस स्टेशन को इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर ऑफ 1972 में। और कानपुर सेंट्रल के बारे में क्या कहूँ, कानपुर सेंट्रल अपने आप में एक लग्जरियस रेलवे स्टेशन है। कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है जो कि कानपुर सेंट्रल पे आपको उपलब्ध ना हो। फिर भी बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि कानपुर सेंट्रल इंडिया का 3rd बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। पहला नंबर आपका हावड़ा, 2nd न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, तीसरा आपका आ जाता है कानपुर सेंट्रल। और कानपुर सेंट्रल जो है, जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है इंडिया में, टोटल 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। याद करके बताना पड़ेगा, जैसे हो गया कानपुर सेंट्रल, दूसरा चेन्नई सेंट्रल, तीसरा मुंबई सेंट्रल और मैंगलोर सेंट्रल, और एक है आपका त्रिवेंद्रम सेंट्रल। ये टोटल 5 सेंट्रल है इंडिया में जो कि सेंट्रल रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और कानपुर सेंट्रल पे आपको स्टॉल की कमी नहीं मिलेगी, हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी, नो डाउट है। आप कोई नहीं लेगा खाना है क्या? आप कहाँ ले पाओगे खाना है? तो नहीं ले पाएंगे। नहीं जी, इंडिया में दिल्ली के पास पहुंच चुके हैं। 1209 किलोमीटर कवर करने के बाद पहुंच चुके हैं गाजियाबाद जंक्शन। स्टेशन कोड है यहाँ का GZB और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर ऑफ 1865 में, और इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर ऑफ 1971 में। और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो टोटल इस स्टेशन पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म हैं। और 2 मिनट हॉल के बाद खुल चुकी है गाजियाबाद से। और एक चीज़ मैंने आपको बताया नहीं कि अलीगढ़ को मैंने स्किप कर दिया। कहानी क्या हुआ, एक्चुअली 3-4 घंटे के गैप में स्टेशन था, तो मैं आराम से सो गया। मैं सोचा अलीगढ़ से पहले उठ जाऊंगा, फिर कवर करूंगा उसे। और जब अलीगढ़ जब पहुँच गया स्टेशन पर, जब रुक गया, जब खुलने वाली थी ट्रेन, तब जा करके नींद खुला। हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने गंतव्य तक, यानी अपने घर। और फिर मैं मुलाकात करता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग एनर्जेटिक ट्रेन जर्नी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।